हम जैनों का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा है, पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व में हम लोग कोई रूट वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं और सब चीज विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक का खाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ आपके लिए कुछ जैन रेसिपीज लेके आऊँ। तो आज हम बना रहे हैं गट्टे का पुलाव और केसरिया चावल, जो राजस्थान में बहुत बनाया जाता है। हर खुशी के मौके पे हर चीज में बनाते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी ये रेसिपी जरूर बनाएं और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। गट्टे का पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप बासमती राइस। इसको मैंने आधे घंटे पानी में सोख करके रखा है। अब हम चावल को उबालेंगे। उसमें हम डालेंगे 2 तेज़पत्ता, 3-4 लौंग, जिससे इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा। अब हम इसे ढक देंगे ताकि चावल जल्दी बन जाए। गट्टा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप बेसन। उसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून ऑयल। इन सबको अच्छे से मिला के हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। पानी थोड़ा धीरे धीरे डालें, नहीं तो बेसन बहुत जल्दी गीला हो जाता है। गट्टा को हम अलग से नहीं बॉईल करेंगे, हम इसको चावल में के अंदर डाल के ही बॉईल करेंगे। गट्टे का पुलाव खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और राजस्थान की तो ये स्पेशलिटी है, वहाँ पे ज़रूर बनाते हैं इसको। हर अच्छे मौके पे भी इसको बनाया जाता है। इस तरह हम पतले पतले रोल कर लेंगे गट्टे को और अब इसके छोटे छोटे पीसेस काटेंगे। ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस नहीं काटेंगे, छोटे छोटे पीसेस ही काटेंगे, क्योंकि ये उबलने के बाद भी थोड़ा फूलेंगे। ये देखिए चावल हमारा अच्छा से बॉईल हो रहा है। अब हम इसमें ये गट्टा हम डाल देंगे और चावल को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, थोड़ा उसको कड़ा कड़ा ही रखना है, नहीं तो फिर जब इसका पुलाव बनाएंगे तो वो चावल ज़्यादा गला हुआ रहेगा तो पूरा खिचड़ी की तरह बन जाएगा। गट्टा डाल के उसको उबलने में कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाएगा। चावल को हम स्ट्रेन करके रखेंगे और जब ये पूरा ठंडा हो जाए तब हम इसका पुलाव बनाएंगे। गरम गरम पुलाव बनाने से वो चावल खिले खिले नहीं बनेंगे। अब हमारे चावल ठंडे हो चुके हैं। मैंने कढ़ाई में यहाँ 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। उसमें हम डालेंगे 1 तेज़पत्ता और थोड़ा सा जीरा। इन सबको अच्छे से भूनेंगे। 1/2 चम्मच हींग, जीरे को अच्छे से क्रैकल होने देंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से और इन मसालों को भी 2 मिनट अच्छे से तेल में भून लेंगे ताकि सब मसालों का कलर अच्छा आए। अब हम चावल डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और हमारा गट्टे का पुलाव बनके एकदम रेडी है। अब हम बनाएंगे केसरिया चावल। इसके लिए मैंने लिया 1 कप बासमती राइस। इसको हम बॉईल करेंगे। बॉईल करते समय हम इसमें डालेंगे 2 इलायची, 3-4 लौंग और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, उसको येलो कलर देने के लिए। आप येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा हल्दी ही डालती हूँ, उससे भी अच्छा कलर आ जाता है। ये देखिए चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। इसको एकदम गलाना नहीं है क्योंकि जब हम इसमें चीनी डालेंगे तो ये चाशनी में भी थोड़े पकेंगे। अब मैंने लिया है 1 टेबलस्पून घी। अब हम घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे हमारे पके हुए चावल। इस कटोरी से नाप के मैंने चावल लिया था, उतनी ही चीनी डालेंगे। मीठा आप थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इसको 2 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, तब तक चीनी का थोड़ा पानी ना सूख जाए।
अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और कटे हुए बादाम। देखिए हमारे चावल एकदम रेडी हो चुके हैं। अभी जैनों का बहुत बड़ा पर्व पर्युषण चल रहा है, इसीलिए वो लोग बिना ऑनियन, गार्लिक या ग्रीन वेजिटेबल्स के खाना बनाते हैं। इसीलिए मैंने आज गट्टे के पुलाव में भी कोई धनिया या मटर कुछ भी नहीं डाला है, इसी तरह पकाया है। तो आप भी ये जैन रेसिपी इंजॉय कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा।